शहर के स्टेशन रोड स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में जीवा वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के आत्मरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस की जानी मानी पुलिस अधिकारी सह जीवा एडवाइजर किरण सेठी पहुंची और कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ ही महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान संयुक्त परिवार का महत्व समझाने के उद्देश्य से बच्चों के द्वारा एक नाटक की भी प्रस्तुति की गई। बाप एक ऐसी चीज होती है, जब तक वो आपके पास रहते हैं ना तो आपको उनकी वैल्यू नहीं पता चलती है। एक माँ बाप ही है जो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी जीवन भर। आप गलती करोगे तो वो आपको हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और तीसरे हैं आपके टीचर, जो लोग अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको शिक्षा देकर समाज के बीच में ला कर देते हैं, तो उनकी जरूर रिस्पेक्ट करें। ये आपका एक फलसफा है। एक गीत मुझे लास्ट है और खत्म करूंगी अपनी बात को। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कि जीवा के साथ हम सुचिता जी के माध्यम से ही बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं। विद कीन इंटरेस्ट इन इंटीरियर्स कुकिंग हरदम आपका करें सत्कार, स्नेह सहित आज हमारा करें आप आतिथ्य स्वीकार। स्नेह की रोली से सब जन को सम्मान का तिलक लगाएं हम, भावनाओं के पुष्प सजाकर आसन आपका बनाएं हम। नभ के तारों से आज आपका गिरडी की बगिया में स्वागत करते हैं। हर्षित है हृदय आपके आने से, इज्जत मान बढ़ा आपके पधारने से। सर्वप्रथम मैं आज के जीवा कार्यक्रम में आप सभी का दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी चेष्टा अनुसार एक दूसरे को सक्षम बनाते हुए अपने जीवा उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। सभी सह सदस्यों का सबके सपनों को सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे। जीवा परिवार शक्ति है, और इसके प्रति हमारा समर्पण सदैव अतुलनीय रहेगा। टफ टाइम में जब मेरी बेटी कोविड में हॉस्पिटलाइज थी, इन्होंने बहुत देती कोशिश करे कभी न खोए। हम नारी हैं। उनके खुद आई और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर सांस हर पल इनके साथ बीते। और मैं तनिषा हमारी जीवा की as well teaching activity. पूरे देश में महिलाओं को आत्मरक्षा और पुलिस सेवा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध व वर्ष 2015 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित जीआई किरण सेठी ने महिलाओं एवं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में कई अहम जानकारियां देते हुए उन्हें जागरूक किया। साथ ही महिलाओं को कैसे अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए इसके बारे में महिलाओं और युवतियों को विस्तार से जानकारी दी। और आप अब इतने तंग आ चुके होते हैं कि आप चाहते हो कि एक बार इसको सजा हो जाए, मगर जैसे ही आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कोई एक्शन लेता है, तो आप कहते हैं चलो छोड़ दो, इस बार माफ कर दो।
नहीं तो देखिए कोई भी अपने घर के परिवार के सदस्य को जेल नहीं भेजना चाहता। और लेडीज इस तरह से अपने उस दुख को सहती रहती हैं, चाहे वो मारपीट हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिकल, वो सफर करती रहती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाहते तो जैसे दिल्ली में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ऐसे झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नहीं तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। और ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर है 1516 1516। कितना नंबर है? 1516। आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको गाइड करेंगे और मीडिएशन के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपको मतलब कि एक्शन होगा। और मेन मकसद ये होता है कि परिवार में एक समझौता कराया जाता है कि जो आदमी में या कोई औरत में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स में ही कमी होती है, कई बार महिलाओं के कारण भी घर बर्बाद होते हैं। दोनों की बात को सुनकर उनको क्या नाम है हम समझा कर इस चीज को खत्म किया जाता है। बट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी आप कभी चुप नहीं रहे, एक एक जो ये आदमी इस तरह की गंदी नहीं कर सकता, ठीक है? जो ये आदमी इस तरह की गंदी नहीं कर सकता, ठीक है? तो जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं करनी। आज जिस मकसद के लिए मुझे जीवा फैमिली ने यहाँ जोड़ा और जो मैंने बात कही है उससे आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ, और फिर भी मेरी अगर लेक्चर में कहीं कमी रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छा सेशन था मैम। प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बता देना है, बाकी अपनी प्रॉब्लम है जीवा को बता दूंगी। शोषण होता है वहाँ पे, मतलब कि वो पिसती हैं। मैंने उनकी आजीविका चेंज करने के लिए अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको वोकेशनल कोर्सेज कराती हूँ ताकि वो लड़कियाँ वहाँ से ऐसी, तुम्हें एक लेडी ने कह दिया, तुमने इतने दिल पे बात ले ली, वो जो लड़कियाँ वहाँ जाकर इसी दलदल की जिंदगी में फंस गई उन पे क्या बीतती होगी, जिन्होंने सूरज नहीं देखा, जिन्होंने चांद नहीं देखा, एक चार दीवारी में अपने शरीर को लोगों के आगे छोड़ देती हैं। उनके जीवन को जब मैंने चेंज करने की एक दिल में ठानी, काम करने जा रही हूँ, और वो शुरुआत देखो जीवा मेरे लिए कितनी लकी है कि वो काम जीवा के एक प्रोग्राम में होगा। मैं अभी उसको नहीं शो करना चाहती, जब होगा तो आप उसे देखिएगा। चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छूट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कभी कभी मेरा भी दिल किसी पे आ जाता है तो मैं रोमांटिक गीत भी गा लेती हूँ। तो मेरा एक फेवरेट से स्पेशल झारखंड आए हैं, और जीवा जो ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, इनका मकसद है कि जो महिलाएं अपने घरों में अपने चुप रहती हैं और अपने हुनर को बाहर नहीं लेकर आती, उनको हम मोटिवेट करके एक मंच के साथ जोड़ें ताकि वो समाज में एक खुली सांस में सांस ले सके। और जीवा का काम है जोड़ना और आगे बढ़ाना। जय हिंद। आज अशोका इंटरनेशनल होटल में जीवा ग्लोबल इंडियन वीमेन एसोसिएशन की तरफ से नमस्ते झारखंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारे 11 मेंबर्स की टीम दिल्ली से चल कर आई, ये हमारी गवर्निंग बॉडी है, और गिरिडीह में मैं इसकी प्रेसिडेंट, राखी चुनिंदा इसकी वाइस प्रेसिडेंट, लक्ष्मी शर्मा इसकी सेक्रेटरी है, और हम तीनों ने मिलकर आज यहाँ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसमें दिल्ली पुलिस से लेडी संगम किरण सेठी जी को भाई, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस के ऊपर हमारी यहाँ की लेडीज और गर्ल्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और हम लोगों ने आज फैमिली के ऊपर यहाँ एक एक्ट प्रेजेंट किया और बहुत तरीके कल्चरल प्रोग्राम करके अपने जीवा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। कार्यक्रम का मंच संचालन पूनम प्रकाश सहाय ने किया, वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में राखी झुनझुनवाला, लक्ष्मी शर्मा, सुमन साहू, पूनम प्रकाश के अलावे दिल्ली से आए हुए जीवा फॉर्मेशन के चेयरमैन जीआई रवि शौरी, गवर्नर जीआई संगीता खंडेलवाल, फाउंडर जीआई मोनिका,
co-founder GI Sulochana Maskara, National President GI Sadhana Gupta, Executive Alka Jha, Binu Kesri, Nidhi Khemka, Mridula Sangal, Tanu Gargi, Devghar ki President Sobha Bathwal sahit anya sadasyon ka sarahaniya yogdan raha. Idhar Jiva ki Vice President Raki Jhunjhunwala ke dwara Babhantoli mein sanchalit Bachpan Play School mein Jiva Silai Center ki shuruaat ki gayi. सेंटर का उद्घाटन पुलिस अधिकारी सहजीवा एडवाइजर किरण सेठी, समाज सेवी मुकेश जलान और मनोज जलान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सिलाई सेंटर में सहयोग करने के लिए समाज सेवी मुकेश जलान और मनोज जलान को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं तनिषा आर्य के द्वारा दुर्गा स्तुति पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। मौके पर राखी झुनझुनवाला ने बताया कि सेंटर में जो लड़कियाँ फीस नहीं दे सकती हैं उनको फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को मार्केट में सेल कर जरूरतमंद महिलाओं की मदद की जाएगी। दोनों जैसी इस फुर्ती आप लोग में बनी हुई है उसके कुछ टिप्स इन बेटी को भी देखने जाइए। हाँ, और दिल से बराबर चर्चा हो, लोगों के जहन में ये बात गुजरे, काश हम भी इसके मेंबर होते। वाह, बस उन लोग आने का मकसद ये लोग यही बना के लाए हैं। ये तो बोल रही लड़कियां को कहूंगी कि जीवा के एक बनाए कपड़े पहन। साधना जी का नहीं आ गई? आ गई साधना जी भी आ गई। बहुत सुंदर है, बता देते हैं। सीखने के लिए भी फीस जमा नहीं कर सकते उन लोगों को, ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगी। एक घंटा हमारा सिलाई सेंटर का क्लास चलेगा, इसमें ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। जय